मनुष्य जीवन सत्य को जानने के लिए मिला और सत्य को जानने से क्या होगा, सत्य को जानने से क्या होगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, सत्य को जानकर वो सत्य को व्यवहार के अंदर लाएगा और सत्य को व्यवहार के अंदर लाने से उसकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। सत्य को जानना, असत्य को जानना और दोनों को जानकर सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। तो सत्य को जानने की जिज्ञासा किसके अंदर उत्पन्न होती है कि मैं सत्य असत्य को जानू, और सत्य को जानने में सक्षम कौन हो सकता है, समर्थ कौन होता है। तो जो पवित्र अंतःकरण से युक्त है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, उसके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो सत्य को जानने में सक्षम होगा, क्योंकि अंतःकरण के पवित्र होने पर चित्त एकाग्र होगा और एकाग्र होने पर ही वो जब किसी विषय पर एकाग्रता पूर्वक विचार करेगा तभी वो उसको ठीक ठीक समझ पाएगा। और यदि मन एकाग्र नहीं है, हृदय की अपवित्रता के कारण या अंतःकरण की अपवित्रता के कारण, तो उसका मन किसी विषय में स्थिर नहीं होगा और स्थिर ना होने से वो किसी विषय का ठीक प्रकार से विचार ना करने के कारण उसको जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता।